तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। मैं विश्व में कितने प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, हमारे देश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और इसके बाद में इसका संरक्षण के क्या क्या विधियां हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन वो बताएंगे हम कल। आज जो हमारा फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा हिंदुस्तान में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टी और विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टी और वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और उसके क्या क्या विशेष लक्षण होते हैं। तो दोस्तों सॉइल जो मिट्टी है वो कहाँ पाया जाता है, आपने पूर्व के लेक्चर में आपने देखा होगा जो पृथ्वी जो है उसका एक कोर है, ठीक है। उसके बाद में इसको बोलते हैं कोर, उसके बाद में इसको बोलते हैं मेंटल, और ये जो है वो है सतह। तो जो सबसे जो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वहां पर मिट्टी पाया जाता है, इसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में आपको बता चुके हैं। और यह ऊपरी सतह जो है आप एक सेब ले लीजिए और उसका जो छिलका है उतनी ही, जिस तरह से आप छिलका देखते हैं ना उसी तरह से पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है समुद्र के तल पर ये 5 से 8 किलोमीटर इसका लंबाई होता है और जो धरातल पर ये 25 से 30 किलोमीटर इसका लंबाई होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा जो सरफेस है वो कितना पतला है अगर पृथ्वी का पूरा अगर आप परिधि देखेंगे तो। तो दोस्तों मिट्टी आखिर होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि मिट्टी के निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं, वो मिट्टी का निर्माण कोई 2-4 दिन में नहीं होता है और ये हजारों लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद में मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये जो है वो हमारा जो इकोसिस्टम है जो पर्यावरण है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है सॉइल, ठीक है। इकोसिस्टम दोस्तों, सॉइल अर्थात मिट्टी, इसके क्या क्या घटक हैं ये आपका जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए कि मिट्टी में एयर मतलब हवा ये 25% पाया जाता है, 25%। उसके बाद में वाटर मतलब पानी ये कितना परसेंट है, 25%। इसके बाद में मिनरल पार्टिकल्स खनिज कण ये कितना पाया जाता है, 45%। और इसके बाद में जो ऑर्गेनिक मैटर है ये 5% पाया जाता है, और इस ऑर्गेनिक मैटर को भी हम 3 भाग में लेंगे। ये क्या है, पहला ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म माने जीव रूट्स, इसका भाग कितना होता है, 10% रूट्स का, जिसको जड़ बोलते हैं, रूट्स कितने परसेंट रहता है, 10%। और ह्यूमस ये रहता है 80%। तो हमने जो मिट्टी का जो बनावट है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं उसका हमने वर्गीकरण किया कि मिट्टी में कोई भी मिट्टी हो, चाहे अमेरिका की मिट्टी हो या भारत की मिट्टी हो, उसमें हवा जो रहेगा वो 25% रहेगा, वाटर मतलब पानी रहेगा 25%, मिनरल पार्टिकल
माने खनिज अवयव ये रहेंगे 45% और 5% जो रहेगा वो ऑर्गेनिक मैटर रहेगा। और उस ऑर्गेनिक मैटर का भी तीन भाग में विभाजन किया मैंने, एक होता है ऑर्गेनिज्म जीव जंतु 10%, उसके बाद रूट्स माने जड़ 10% और ह्यूमस 80%। ये सब मिलाकर के जो है वो मिट्टी का निर्माण होता है। और अगर इसका मतलब यह नहीं कि सारे मिट्टी में ये सभी चीज रहते हैं। हाँ देखो, मिट्टी का बनावट के बारे में मैंने बताया कि कोई भी मिट्टी हो, चाहे अमेरिका की मिट्टी हो चाहे भारतवर्ष की मिट्टी हो, इसमें जो महत्वपूर्ण अवयव होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो मैंने पहला बताया कि इसमें हवा का जो अंश होता है वो होता है 25%, पानी का जो अंश होता है वो होता है 25%, और उसके बाद में मिनरल पार्टिकल जिसको खनिज अवयव बोलते हैं या खनिज कण, इसका जो हिस्सा होता है वो होता है 45%, और इसके बाद में 5% जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स। 5% जो है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर्स। अब ऑर्गेनिक मैटर के भी तीन भाग हैं, जैसे पहला ऑर्गेनिज्म, इसका परसेंट कितना रहता है? 10%। उसके बाद में रूट्स माने जड़ जिसको बोलते हैं 10%, और इसके बाद में ह्यूमस, ये कितना रहता है? 80%। ये 5% में ये सारे आते हैं। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसको क्या बोलते हैं? मिट्टी। लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली बात है कि सारे जो अवयव जो मैंने बताया है वो कम बेसी मात्रा में पाया जाता है। मतलब कहने का आशय ये है कि सभी मिट्टी में एक जैसा अनुपात नहीं होता, और यही मिट्टी की खासियत होती है। और जिसमें जो समान रूप से जो मैंने अभी आपको बताया, ये तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की बात बताया। बहुत सारी मिट्टी ऐसी होगी जिसमें ह्यूमस होगा ही नहीं, बहुत सारी मिट्टी ऐसी होगी जिसमें बहुत ज़्यादा बालू का कण होगा। मतलब जो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मिनरल पार्टिकल्स, तो उसमें बालू के अवयव 80% हो सकते हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे। तो जैसे अगर जो ये जो मैंने अभी आपको बताया वो एक स्टैंडर्ड कंपोजिशन ऑफ द सॉइल है, इसकी बनावट है, लेकिन उसमें अगर कम बेसी मात्रा होगा तो उस हिसाब से मिट्टी की गुणवत्ता भी बदल जाएगी। और अगर मिट्टी की गुणवत्ता बदलेगी तो उसका प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता भी बदल जाएगा। तो जिसके बारे में हम अभी आपको बाद में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। अब एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, और वो क्या है? सॉइल पेडोजेनेसिस। सॉइल पेडोजेनेसिस, हाँ मैं अभी लिख देता हूं, पेडोजेनेसिस इसका मतलब क्या हुआ? मिट्टी का विकास, सॉरी मिट्टी का या मृदा, कुछ लोग मृदा भी लिखते हैं तो वो भी लिख सकते हैं आप, मिट्टी का विकास, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सॉइल पेडोजेनेसिस। तो मिट्टी का विकास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिट्टी का विकास या उसका निर्माण कोई दो चार दिन में नहीं होता, दो चार बरस में नहीं होता है, इट टेक्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर, हजारों वर्ष के बाद जो है ना मिट्टी का निर्माण होता है, उसके निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए मिट्टी जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मूल्यवान वस्तु है। मिट्टी के बिना हम जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मिट्टी हमारे पास में अच्छी मिट्टी नहीं होगी तो हम अच्छे जींस उपजा नहीं पाएंगे, और अगर अच्छे जींस या अनाज नहीं उपजा पाएंगे तो फिर क्या होगा?
हम अपने आबादी को, अपने लोगों को खाना नहीं खिला पाएंगे, और अगर खाना नहीं खिला पाएंगे तो लोग क्या होगा, भुखमरी के शिकार हो जाएंगे, लोग मरने लगेंगे, जैसे अकालों में लोग मरते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में तो हजारों लाखों लोग मर गए अंग्रेजी शासनकाल में, जो पूर्व के वीडियो मैंने आपको अभी कल बताया था, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये सब क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द लोगों को खाने के लिए रोटियां नहीं मिला, इसीलिए लोग मर गए। तो दोस्तों, मिट्टी का विकास का क्या क्या फैक्टर हैं? पहला, पैरेंट मटेरियल, दूसरा क्लाइमेट मतलब जलवायु, पैरेंट मटेरियल का हिंदी को होगा पैतृक, चट्टान, जलवायु, तीसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित जीव जंतु, और चौथा टोपोग्राफी, माने हिंदी में होता है इसका जमीन की बनावट। और पांचवा टाइम फैक्टर, जो मैंने अभी आपको बताया, टाइम माने समय। तो दोस्तों, ये पांच प्रकार के जो है, जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हैं, वो काम करते हैं सॉइल पेडोजेनेसिस में, मैंने मिट्टी के विकास में। और वो कौन कौन सा है मैंने बताया, पेरेंटल मटेरियल मैंने पैतृक चट्टान, क्लाइमेट मैंने जलवायु, लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित जीव जंतु, चौथा टोपोग्राफी, और पांचवा टाइम फैक्टर। अब पेरेंट मटेरियल मैंने क्यों बताया, अगर आप अब जैसे कि मान लो डेक्कन ट्रैप के बारे में हमने बताया था कि वहां पर ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल क्यों है, व्हाई, बिकॉज वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों लाखों वर्ष पहले वहां पर जो ज्वालामुखी जो फूटा, उसके लावा जो है वो बिखर गए, और बिखरने की, चूंकि लावा तो काला होता है, तो बिखरने के कारण से जो है वो पेरेंटल जो चट्टान है वो क्या है, उसमें वो धीरे धीरे काली मिट्टी में तब्दील होता गया बरसों के, और अन्य जो फैक्टर है उस पर काम किया, समय इतना हजारों लाखों वर्षों पर उस पर काम चला, उसके बाद में जलवायु का प्रभाव हुआ, जीव जंतु का प्रभाव हुआ, उसके बाद में टोपोग्राफी जमीन की बनावट का प्रभाव हुआ, ये सारे फैक्टर मिलकर के ब्लैक सॉइल का निर्माण किया है। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द पेरेंटल मटेरियल। दूसरा हमने कारण क्या बताया, जलवायु। जलवायु का जो दो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, जो मैंने उस दिन भी बताया था कि टेम्परेचर एंड एनुअल रेनफॉल, दो चीज से जलवायु निर्धारित होता है। तो टेम्परेचर मैंने तापमान, और जो वार्षिक जो बारिश होती है किसी भी जगह पर, ये दोनों घटक मिलकर के किसी भी जगह का जलवायु निर्धारित करता है। अब दोस्तों, ज्यादा अगर गर्मी पड़ेगा किसी इलाके में तो उसका जलवायु अलग होगा, वहां के मिट्टी के बनावट में भी चेंजेज आने लगेंगे, वो हम अभी आपको बाद में बताएंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है, पांच प्रकार के फैक्टर हैं जो मिट्टी के विकास में सहायक हैं। अब दोस्तों, हम चलते हैं कि हिंदुस्तान में कितने प्रकार की मिट्टी मिलते हैं, ठीक है, तो आप नोट करते जाइए। पहला एलुवियल सॉल सॉइल, इसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दूसरा
ब्लैक सॉइल, इसको क्या बोलते हैं, काली मिट्टी, मैं हिंदी में भी लिखता जाता हूं। तीसरा रेड सॉइल, लाल मिट्टी। चौथा लेटराइट सॉइल। पांचवा डेजर्ट सॉइल। अब डेजर्ट सॉइल को क्या बोलते हैं, रेगिस्तानी मिट्टी। कितने प्रकार की मिट्टी हो गया। उसके बाद में लिखो माउंटेन सॉइल। पहाड़ी मिट्टी। हमारे हिंदुस्तान में 8 प्रकार की मिट्टी को रेखांकित किया गया है, ठीक है। तो एक मिट्टी और है, वो लिखिए आप सेलाइन या अल्कलाइन मिट्टी। सेलाइन या अल्कलाइन, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, नमकीन या क्षारीय मिट्टी। और एक और प्रकार की मिट्टी है, उसको बोलते हैं पीटी एंड और मार्सी मिट्टी। मार्सी मिट्टी या सॉइल। अब पीटी एंड मार्सी मिट्टी मतलब पीटी और दलदली मिट्टी। मार्सी मतलब दलदली, दलदल वाला इलाका। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा भाग में पाया जाता है, मतलब पूरे हिंदुस्तान के जो लैंड मास है उसमें 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर मतलब कुल 22% ऑफ द लैंड मास, ठीक है। और ये जो एलुवियल सॉइल है, जो जलोढ़ मिट्टी है, वो कहाँ मिलता है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके में, गुजरात में भी कुछ इलाके में पाया जाता है, और इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज हैं दक्षिण भारत में, खास करके कृष्णा कावेरी गोदावरी और इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा जो कोस्टल एरिया में तटवर्ती इलाके में ये जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो इसका एरिया आप ध्यान में रखिएगा, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, आसाम के कुछ हिस्से में और नर्मदा और ताप्ती के घाटी में, और इसके अलावा तटवर्तीय क्षेत्र में ये जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। इसको जलोढ़ मिट्टी को दो भाग में बांटते हैं, वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है। पहला भांगर, भांगर, दूसरा खादर। दोस्तों भांगर जो है वो पुरानी मिट्टी को बोलते हैं और खादर जो है वो हर साल बाढ़ के द्वारा नई मिट्टी जो लाई जाती है उसको खादर बोलते हैं। वो सबसे ज्यादा खादर जो है वो उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। ये याद रखना है, भांगर और खादर।
इसमें सबसे ज्यादा जो फसल क्या क्या उपज में होता है, तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर जो फसल उपज होता है वो चावल, शुगर केन मतलब ईख, टुबैको मैंने तंबाकू, बनाना मैंने केला, कॉटन मैंने कपास, व्हीट गेहूं, जूट मैंने पटसन, और मेज मैंने मक्का, आयल सीड मतलब तिलहन, और वेजिटेबल्स मैंने सब्जी भाजी। ये सारे चीज जो उपज जो है वो इन क्षेत्रों में होता है, मतलब ये दीज आवर आवर टैक्स आर द मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ द ऑफ इंडिया। ये हमारे देश का सबसे ज़्यादा जो है वो उपजाऊ क्षेत्र है। और आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हरित क्रांति हुआ वो इसी क्षेत्र में हुआ, मतलब पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले में, पश्चिमी यूपी क्षेत्र में हुआ था 1966-67 में, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और इसी कारण से हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ब्लैक सॉइल जिसको काली मिट्टी कहते हैं, ये काली मिट्टी कहां पाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात के सूरत, भरूच, बड़ोदरा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, खास करके मालवा क्षेत्र में, तमिलनाडु, राजस्थान में, इन सब क्षेत्रों में जो है वो काली मिट्टी पाया जाता है। और काली मिट्टी की क्या विशेषता होती है दोस्तों, कि इसमें वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अगर बहुत दिन तक बारिश न भी हो तब पर भी वाटर को, मतलब पानी को सोखने की क्षमता, नमी को अपने पास रखने की क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए इस यह मिट्टी जो है वो कपास के उत्पादन के लिए सबसे मुफीद है, ये याद रखिएगा। ये मिट्टी जो है वो आयरन मतलब लोहा, लाइम मतलब चूना, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कार्बोनेट और अल्मीनियम इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलता है, ये याद रखने की चीज़ है। और जब इसमें बारिश, जब बहुत दिनों तो बारिश नहीं होती तो क्या होता है कि जमीन जो है वो फटने लगता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। और जब इस पर पानी डालते हैं तो क्या होता है, ये चिपचिपा हो जाता है, माने स्टिकी हो जाता है। और तो आजकल जो है ये, चूंकि इन इलाकों में भी इरिगेशन के साधन हो गए हैं, तो इसके कारण से हम क्या देखते हैं कि सूती या कपास के अलावा और बहुत सारे खाद्यान्न यहाँ पर उपजाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो मिट्टी है हमारे देश में वो क्या है, रेड सॉइल मतलब लाल मिट्टी जिसको बोलते हैं, जिसको कि रेड एंड येलो सॉइल दोनों कहा जाता है। रेड एंड येलो सॉइल क्यों कहते हैं हम, कि अगर देखने में तो ये लाल मिट्टी लगता है लेकिन जब हम इस पर पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है, इसका कलर पीला हो जाता है। तो इसीलिए इस मिट्टी को हम कहते हैं रेड एंड येलो सॉइल। और ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी तमिलनाडु में, कर्नाटक में, दक्षिणी महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर के प्लेटों में, झारखंड में, और पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिला में, और यूपी के मिर्जापुर, झांसी और हमीरपुर में, तथा राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये इतना चीज आपको याद रखना है। ये लाल और पीला मिट्टी क्यों होता है, इसका कलर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड मतलब लोहे का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज ऑफ दिस ये इसका कलर जो है लाल हो जाता है और पानी डालने पर पीला में हो जाता है। लेकिन इस मिट्टी में माइनस पॉइंट क्या है कि इसमें फास्फोरस दूसरा
इस मिट्टी में फास्फोरस का अभाव होता है और ये मिट्टी का जो डेवलपमेंट होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक से होता है, परिवर्तित चट्टान से। यह भी याद करना जरूरी है, मेटामॉर्फिक रॉक या परिवर्तित चट्टान, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि सॉइल के विकास में जो मिट्टी का जो विकास होता है उसमें एक फैक्टर क्या था, खनिज पार्टिकल्स, खनिज कण, ठीक है। तो हर एक मिट्टी का अपना एक पैटर्नल मटेरियल होता है, तो यहां पर जो रेड सॉइल है उसका जो पैटर्नल मटेरियल है वो क्या है, परिवर्तित चट्टान। लेकिन ये जो मिट्टी है वो फास्फोरस तो इसमें अभाव होता है, लेकिन पोटास की प्रचुर मात्रा होती है, ये याद रखने की चीज है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और लाइम कंटेंट की मात्रा भी कम होती है। तो जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्या करना होगा दोस्तों, जब इस मिट्टी की उत्पादकता हमको बढ़ाना होगा तो हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों को हमको देना होगा, दोनों के खाद फर्टिलाइजर्स हमको सप्लीमेंट के रूप में देना होगा, लेकिन पोटास को नहीं देंगे, क्योंकि पोटास तो प्रचुर मात्रा में है। तो जैसे कि एनपीके जो होता है जो आप देखते हैं, तो इस मिट्टी में जैसे जलोढ़ मिट्टी में जब हम खाद का उपयोग करते हैं तो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन भी देते हैं, फास्फोरस भी देते हैं और पोटास भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एनपीके। लेकिन इस मिट्टी में हम क्या करेंगे कि नाइट्रोजन देंगे और फास्फोरस देंगे फर्टिलाइजर के रूप में, क्योंकि पोटास पहले ही से उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, तो अलग से हमें पोटास देने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, और जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी तो हम विभिन्न प्रकार के जींस इसमें उत्पादन कर सकते हैं, धान का भी उत्पादन कर सकते हैं, गेहूं का भी उत्पादन कर सकते हैं, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसका कोई उत्पादन नहीं कर सकते हैं, बशर्ते कि जो जो इस मिट्टी में जो कमियां हैं उनको अगर हम बाहर से उसकी पूर्ति करें और लगातार इस पर जो है ना हम इरिगेशन या सिंचाई की व्यवस्था करें। दोस्तों अब हम चलते हैं लेटराइट सॉइल की तरफ। लेटराइट सॉइल जो है हमारे देश में लगभग जो है वो 2.62% इलाके में पाया जाता है, मतलब बहुत कम इलाके में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें आयरन और अल्मोनियम, आयरन मतलब लोहा और अल्मोनियम जानते हैं आप, अल्मोनियम इसकी प्रचुर मात्रा होती है, दो चीज की प्रचुर मात्रा होती है, और इसमें नाइट्रोजन पोटासियम और ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन पोटासियम और ऑर्गेनिक मैटर इसका अभाव होता है, माने नाइट्रोजन पोटासियम और ऑर्गेनिक मैटर का अभाव होता है, आयरन और अल्मोनियम की प्रचुर मात्रा होती है। तो हमें इस मिट्टी को उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, उसमें नाइट्रोजन पोटासियम और ऑर्गेनिक मैटर माने खाद जो कंपोस्ट खाद है वो डालने होंगे, तब उसमें उर्वरा शक्ति फर्टिलिटी बढ़ जाएगा। दोस्तों लेटराइट जो सॉइल है उसमें क्या क्या उत्पादन हो सकते हैं, चावल का उत्पादन हो सकता है, सुगर केन मतलब ईख का उत्पादन हो सकता है, कैश्यू नट का उत्पादन हो सकता है, कैश्यू नट को क्या बोलते हैं हिंदी में, काजू, यस यू आर राइट, कैश्यू नट इसका उत्पादन होता है, ठीक है।
ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और ये पाया कहाँ जाता है ये आपको याद रखना होगा। ये कर्नाटक के शिमोगा, हासन और केरल के मालाबार, इन इलाकों में पाया जाता है। उसके अलावा उड़ीसा के कटक और गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सतारा, कोलाबा में, और इसके अलावा तमिलनाडु के कुछ एरिया में, इन एरिया में जो है वो लेटराइट सॉइल पाया जाता है। और यहाँ पर कॉफी का उत्पादन भी बड़ा जोरदार ढंग से होता है, ये याद रखने की चीज़ है। तो दोस्तों अब इसके बाद में जो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, डेजर्ट सॉइल। अब डेजर्ट सॉइल को हमारे देश में डेजर्ट सॉइल कितना है, कितने परसेंट में, 6.13% में। इसको एरिड सॉइल भी कहते हैं, 6.13% इसको क्या बोलते हैं, एरिड सॉइल। एरिड मतलब सूखा या रेगिस्तानी मिट्टी। इसके विशेषता ये कहाँ कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में मिलता है, पंजाब के दक्षिणी भाग में मिलता है। तो इसमें जो ये मिट्टी का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, माने भूरा लाल। और जो सैंडी सॉइल होता है उसको क्या बोलते हैं, जो बलुआही मिट्टी होती है जिसका कलर बलुआही मिट्टी जैसा होता है उसको बोलते हैं भूर। और ये जो मिट्टी है वो फॉस्फेट में तो काफ़ी इसमें प्रचुर मात्रा मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। मतलब फॉस्फेट काफी प्रचुर मात्रा में मिलता है लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। तो हमें क्या करना होगा कि नाइट्रोजन को डालना होगा सप्लीमेंट के रूप में, तभी जो है ना इसमें उत्पादकता बढ़ेगी। इस मिट्टी में हम क्या देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पूरा इलाका सूखा होता है। और अभी आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी कैनाल जो राजस्थान में चल रही है उसके कारण से वहाँ पर अब जो है वो गेहूं के उत्पादन होने लगे हैं, धान के उत्पादन होने लगे हैं और साथ साथ कॉटन के उत्पादन होने लगे हैं। तो जो मुख्य रूप से इस मिट्टी का जो पैदावार है वो क्या है, मिलेट मतलब बाजरा, ज्वार, बाजरा, मिलेट मतलब मक्का, और जो मोटे अनाज हैं वो सारे उत्पादन इस इलाके में होते हैं। और इंदिरा गांधी कैलान हो जाने से तो अब तो यहाँ पर धान के, गेहूं के सब फसल होते हैं, इवन जो कॉटन है, कपास के, उसकी भी फसल होती है। तो पूरा जो इकोसिस्टम है पूरा चेंज हो गया है। इसके बाद दोस्तों माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल को क्या बोलते हैं, पहाड़ी सॉइल। और ये कहाँ पाया जाता है, अभी अगर आप देखेंगे तो जैसे सिक्किम का इलाका है, जैसे जम्मू कश्मीर का इलाका है, लद्दाख का इलाका है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का इलाका, अरुणाचल प्रदेश का इलाका, ये सारे जो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वो क्या बोलते हैं, माउंटेन सॉइल। और इस मिट्टी की क्या विशेषता होती है कि इसमें जो है हम क्या देखते हैं कि पोटास, फॉस्फोर, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम की कमी होती है। पोटास, फॉस्फोरस और लाइम मतलब चूना, इसकी कमी होती है, सॉरी लाइम की कमी होती है। तो हमें क्या करना होगा कि ये सब जो फर्टिलाइजर्स हैं उसको बाहर से सप्लीमेंट करना होगा, तब इस मिट्टी का उर्वरा शक्ति बढ़ेगा। ये मिट्टी जो है ईस्टर्न मतलब पूर्वी घाट में और पश्चिमी घाट के इलाकों में भी मिलता है। दोस्तों इसके बाद में एक होता है
सैलाइन या अल्कलाइन माने नमकीन या क्षारीय मिट्टी, ये जो है मिट्टी कहाँ पाई जाती है, रन ऑफ कच्छ में और सुंदरबन में, कुछ बिहार के यूपी और हरियाणा पंजाब राजस्थान और महाराष्ट्र के इलाके में भी पाई जाती है। इसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे थूर, रेह, कलर, राकर, उसर, कारी और चोपन, इन नामों से विभिन्न इलाकों में पुकारा जाता है। और इनका जो टेक्सचर होता है, जो ऊपरी बनावट होता है, वो क्या होता है, लोमी। लोमी मतलब चिकनई या सैंडी मतलब बलुआही, ये इनका टेक्सचर होता है, बनावट। दोस्तों इसमें चावल और शुगर केन मतलब ईख का उत्पादन किया जा सकता है, इसके अलावा गेहूं का भी उत्पादन होता है, कॉटन का उत्पादन होता है और तंबाकू का उत्पादन होता है। ये सलाइन और अल्कलाइन सॉइल, इसमें बेसिकली जो है वो कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम, इसका अभाव होता है और इसको हम बाहर से सप्लीमेंट कर सकते हैं और इस तरह से हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में एक और सॉइल होता है, हिंदुस्तान में है, उसको बोलते हैं पीटी एंड मार्सी सॉइल, मतलब पीटी और मार्सी मतलब दलदली सॉइल। ये सॉइल कहाँ पाया जाता है, अलपुझा। पीटी सॉइल कहाँ पाया जाता है, अलपुझा, केरल में है, अलपुझा। अलपुझा में केरल में पाया जाता है और ये सॉइल जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्लैक मतलब काला होता है, हैवी होता है और बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। बहुत ज्यादा ब्लैक होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो है वो ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा नमकीन होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण से मिट्टी का कलर जो है वो काला पड़ जाता है। और इस मिट्टी की कमी जो है वो क्या है कि फास्फोरस और पोटास की कमी होती है, तो अगर हम पोटास और फास्फोरस बाहर से फर्टिलाइजर के रूप में प्रदान कर दें तो इस मिट्टी की भी उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। और दोस्तों इसके बाद जो लास्ट में है जो मार्सी सॉइल, जिसको दलदली सॉइल कहते हैं, और ये दलदली सॉइल कहाँ पाया जाता है मिट्टी, उड़ीसा में, जो तटवर्तीय इलाका है उड़ीसा का, वहाँ पर पश्चिमी बंगाल में, तमिलनाडु में, जो नॉर्थ बिहार का जो पिछला हिस्सा है, मध्य भाग है वहाँ पर, और उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, इन इलाकों में हमें दलदली भूमि पाया जाता है। तो दोस्तों ये दलदली भूमि क्यों होता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग माने जब पानी का जमाव जो किसी क्षेत्र में बहुत दिन तक होने लगता है तो वहां पर क्या होता है, दलदल पैदा हो जाता है, मार्स पैदा हो जाता है और उसी से मार्सी सॉइल का निर्माण होता है। इस मिट्टी में हम क्या देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में आयरन माने लोहा और ऑर्गेनिक मैटर, जैवीय तत्व जो है ना बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको डिटेल में इसकी व्याख्या प्रस्तुत किया। ऐसा है कि जो रेगिस्तान की जो मिट्टी है वो तो आजकल जो है ना बेहतरीन मिट्टी हो गई है, जैसे कि पहले तो उसमें जो है ना जो मोटे अनाज उत्पादन कर सकते थे पहले के जमाने में, जैसे मक्का, ज्वार, क्योंकि वहाँ पर पानी कम लगता है उन सब जो पौधे हैं उसमें, ठीक है। लेकिन अब तो जो जैसे कि उन्हीं इलाकों से जो राजस्थान से आपको मालूम होगा इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है, तो अब तो वहाँ पर चावल का भी उत्पादन होता है, गेहूं का भी उत्पादन होता है और कपास का भी उत्पादन होता है, तो पंजाब को भी डिफीट कर रहा है एज पर एज द प्रोडक्टिविटी इज कंसर्न, उत्पादकता का जहाँ तक संबंध है तो वो किसी मामले में कहीं से भी कम नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन क्या है, देखिए होता क्या है कि जो देखिए वो तो पानी की उपलब्धता पर सवाल डिपेंड करेगा। मैंने अभी कहा ना कि जैसे कि पानी अगर उपलब्ध नहीं होगा, जो डेजर्ट सॉइल है, डेजर्ट क्यों है, रेगिस्तान क्यों, व्हाई,
बिकॉज वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर आप एक दिन, हमने आपको क्लास में बताया था कि जैसलमेर जो है उसमें जो एनुअल जो रेनफॉल होता है, वार्षिक जो पानी वर्षा होता है वो कितना है, एवरेज 10 cm, ठीक है। ये 10 cm जो है वो तो हमने एवरेज बताया, हो सकता है 20 cm भी हो या 5 cm भी हो, लेकिन अब जैसे चावल के उत्पादन के लिए तो 10 cm कुछ भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। गेहूं के उत्पादन के लिए 10 cm कुछ भी नहीं है, कम से कम जैसे आप, या आप कपास का उत्पादन करते हैं तो कितना होना चाहिए, कम से कम 60 से 70 cm बारिश होना चाहिए। चावल और गेहूं के लिए भी 50 से लेकर 70 cm बारिश होना चाहिए, या और जो तापमान है वो भी कंट्रोल वे में रहना चाहिए। ऐसा नहीं, अच्छा आप क्या रेगिस्तान में क्या देखते हैं कि तापमान एकाएक जो है ना 55 डिग्री पर पहुंच जाता है दिन में, और रात में टेम्परेचर कितना हो जाता है, 15 डिग्री 12 डिग्री, ठीक है, अगर आप जैसलमेर जाए तो। ये जो है चावल के लिए या गेहूं के लिए क्या होता है, या कपास के लिए मुफीद नहीं है, ठीक है, लेकिन तो इसके कारण से पहले के जमाने में हम क्या देखते थे रेगिस्तान में, कि मोटे अनाज का उत्पादन होता था। मोटे अनाज मतलब जैसे कि बाजरा, जैसे कि खरबूजा, मेलन, क्या बोलते हो, वाटर मेलन जिसको बोलते हो, गर्मी के महीने में खूब उत्पादन होता है वहाँ पर। ग्राम मतलब इसको क्या बोलते हैं, दलहन में आता है वो, ग्राम या दलहन, दाल जिसको बोलते हो, या तिलहन, इन सब में पानी की जरूरत बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन जैसे कि राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल जो गुजरने लगा है और उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में गुजरने लगा, तो वहां पर क्या हुआ, पूरा इकोसिस्टम को उसने बदल दिया है, जो पर्यावरण है ना उसको पूरी तरह से बदल दिया। जहां पर कि एक छोटा झाड़ी भी नहीं बड़ा हो पाता था, अब वहां पर बड़े बड़े पेड़ जो है ना नहर के किनारे लगा दिए गए हैं, तो जो वातावरण है वो पूरी तरह से बदल गया है। और उसी का परिणाम हम क्या देखते हैं कि आज की तारीख में इंदिरा गांधी कैनाल के अगल बगल के इलाकों में वहां पर चावल की भी खेती होती है, उसके बाद में गेहूं का भी और कपास का भी उत्पादन होता है। तो जो पंजाब के और यूपी में के मैदानी इलाके में जिन जिन जिन्सों का उत्पादन होता है, उन जिन्सों का उत्पादन वहां भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और बढ़िया से उत्पादन हो रहा है, उनकी उत्पादकता भी अच्छी हो रही है, ठीक है। कोई और पॉइंट है क्या आप लोगों का? थैंक यू दोस्तों। क्या बोले? हाँ मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम चलते हैं वर्ल्ड में। ये तो हमने मिट्टी के बारे में बताया, अब इसके बाद में विश्व में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। विश्व में जो है पूरे वर्ल्ड में कितने प्रकार के मिट्टी हैं, तो इसको जो है वो 10 प्रकार के मिट्टी में वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है अल्फी सॉल्स, ठीक है। अब दोस्तों ये अल्फी सॉल क्या होता है, ये टेम्परेट फॉरेस्ट में पाया जाता है, समशीतोष्ण जंगल में, टेम्परेट फॉरेस्ट, समशीतोष्ण। टेम्परेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण। और जो यूएसए का, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मिसिसिपी मैदान है उसके पूर्वी भाग में, मिसिसिपी पूर्वी मैदान में पाया जाता है मिट्टी,
उसके बाद में दूसरा मिट्टी कौन सा है? एंडी सॉल। एंडी सॉल्स ये मिट्टी जो है ज्वालामुखी के राख से बनता है, वोल्केनिक वोल्केनिक एस। जैसे कि हमारा डेकान ट्रैप का जो मिट्टी, जो काली मिट्टी है, बना हुआ है एंडी सॉल से, माने वोल्केनिक एस से बना है। प्रशांत महासागर का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, ये इन इलाकों में जो है वोल्केनिक एस से मिट्टी का निर्माण हुआ है, और हमारे देश में भी डेकान ट्रैप में। इसके बाद में तीसरा है एरिडी सॉल्स। एरिडी सॉल्स, अब इसके नाम से यह स्पष्ट है, एरिडी सॉल्स जो मैंने अभी बताया था आपको, एरिड मतलब क्या होता है? सूखा, माने रेगिस्तानी मिट्टी। अब दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? डेजर्ट सॉयल। और जहां जहां ये डेजर्ट सॉयल, आपको पता है कि हमारे यहां थार डेजर्ट में ये मिट्टी पाया जाता है, जो अभी आपको मैंने व्याख्या प्रस्तुत किया, और उसी तरह से आप सहारा में डेजर्ट है, अटकामा में डेजर्ट है, तो जहां जहां भी डेजर्ट है उस डेजर्ट को हम क्या बोलते हैं? एरिडी सॉल्स। उसके बाद में एंटी सॉल्स। एंटी सॉल्स, ई एन टी आई एस ओ एल एस, इस सॉल मतलब क्या होता है? सॉइल विथ लिटिल और नो मॉर्फोलॉजिकल या होराइजन डेवलपमेंट। जैसे कि आप समुद्र के किनारे जो बीचेस देखते हैं, बीच देखते हैं, या सैंड ड्यून जो बालू का जो टीला बन जाता है, या फ्लड पेन मतलब बारिश में या बाढ़ आने के कारण जो जो मैदान का निर्माण होता है, तो उसमें क्या हम देखते हैं कि होराइजन का निर्माण नहीं हो पाता है, क्षितिज का या मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट, देयर इज नो मॉर्फोलॉजिकल या होराइजन डेवलपमेंट, देयर इज नो होराइजन डेवलपमेंट। जैसे कि सैंड ड्यून, सैंड क्या होता है? बालू का टीला, या बीचेज समुद्र के किनारे जो बीच का निर्माण हो जाता है, जहां पर क्या बालू का ढेर देखते हैं, ये या बारिश मतलब बाढ़ के द्वारा जो लाई जाए मिट्टी होती, तो फ्लड पेन का जो निर्माण होता है उसमें होराइजन का निर्माण नहीं होता है, उसमें विकास, देयर इज नो होराइजन डेवलपमेंट, तो इसको बोलते हैं एंटी सॉल्स। उसके बाद दोस्तों गेली सॉल्स। गेली सॉल्स सॉल्स ये इसको बोलते हैं टुंड्रा। टुंड्रा में जो मिट्टी पाई जाती है, टुंड्रा में कहां मिलता है? जैसे आर्कटिक क्षेत्र में टुंड्रा क्षेत्र पाया जाता है, जो मैंने आपको पहले के क्लास में बताया था, तो वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? जेली सोल्स। और आपको अलास्का क्षेत्र में भी ये मिट्टी पाई, अलास्का कहां पर है? यूएसए में, तो यहां भी जो है इस तरह के मिट्टी पाए जाते हैं। उसके बाद में हिस्टोसोल। दो सॉइल्स, वो मिट्टी जहां जिसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, फुल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर,
अभी मैंने आपको बताया था पीटी सोल के बारे में, सॉइल के बारे में, जो अलपुजा डिस्ट्रिक्ट में, केरला के अलपुजा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो जहां पर कि जो ऑर्गेनिक जो मैटर्स है वो जिस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोसोल्स। उसके बाद में इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स मतलब वो मिट्टी जो वीकली या कमजोर ढंग से डेवलप हुआ है, मतलब अभी विकसित नहीं हुआ है। उसके बाद में मोलिसोल्स, ये मोलिसोल्स क्या है, डिफरेंट एरियाज कवर्ड बाय ग्रासलैंड। आपको पता होना चाहिए कि एशिया में जो स्टेपीज हैं, साउथ ऑफ रसा या पंपाज जो अर्जेंटीना का जो ग्रासलैंड है, या प्रेरीज जो अमेरिका में मिसिसिपी का, मिसोरी का जो मैदान उसको प्रेरी बोलते हैं, ये जो ग्रासलैंड जो है बड़े बड़े, या साउथ अफ्रीका में जिसको बेल्ट बोलते हैं, बी एल डी टी एस, ये बड़े बड़े जो ग्रासलैंड का मैदान है वहाँ की जो मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं, मोलिसोल्स। और इसके बाद में स्पोडोसोल्स, स्पोडोसोल्स दोस्तों ये इसको क्या बोलते हैं, ये मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, सैंडी होता है। फॉरेस्ट सॉइल, जहाँ जहाँ फॉरेस्ट होता है, जहाँ जंगल होता है, वहाँ पर स्पोडोसोल्स मिलता है। और इसके बाद तो ये जैसे कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ मिनेसोटा या सैंडी एरिया ऑफ अटलांटिक कोस्टल प्लेन, सैंडी एरिया ऑफ अटलांटिक कोस्टल प्लेन में हमें स्पोडोसोल्स मिलता है। और इसके बाद में ऑक्जीसोल्स, ऑक्जीसोल्स, और ऑक्जीसोल्स क्या होता है, वेरी विदर्ड, जहां पर जिस मिट्टी में बहुत ज्यादा क्षरण होता है। और ये जो मिट्टी मिलता है वो ट्रॉपिकल एरिया मिलता है, और सब ट्रॉपिकल एरिया मिलता है। और जैसे कि पुर्टो रिको या हवाई द्वीप में इस तरह की मिट्टी मिलते हैं। और उसके बाद में अगला है अल्टीसोल्स, नाइन्थ वाला, स्पोडोसोल्स, स्पोडोसोल्स लिखो। ये मिट्टी जो है ना बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, और फॉरेस्ट, जहां जहां फॉरेस्ट काफी मात्रा में मिलता है वहां पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, खास करके जो अटलांटिक कोस्टल प्लेन है यहां पर स्पोडोसोल्स मिलता है। उसके बाद में हमने ऑक्सीसोल्स के बारे में बताया, अब उसके बाद में हम बताएंगे अल्टीसोल्स। अल्टीसोल्स क्या होता है, अल्टीसोल्स ये जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, इसमें लीचिंग बहुत ज्यादा होता है, जैसे हमारे यहाँ लेटराइट सॉइल का बहुत ज्यादा लीचिंग हो गया है, उसी तरह से अल्टीसोल्स में भी बहुत ज्यादा लीचिंग होता है। लीचिंग का मतलब क्या होगा कि ऊपर का जो सतह है वो उसका क्षरण होना ही, क्षरण होने को लीचिंग बोलते हैं। और ये जो लीचिंग, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि लेटराइट सॉइल हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये जो, और मैंने ये भी बताया था कि हिंदुस्तान के 2.6% मिलता है, तो उसी तरह से अल्टीसोल्स को ही आप लेटराइट सॉइल कह सकते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा लीचिंग होता है। और ये साउथ ईस्टर्न अमेरिका या यूएसए में मिलता है ये मिट्टी बहुत प्रचुर मात्रा में। ये मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। और लास्ट में भर्टीसोल्स,
12 भर्टी सोल्स। अब दोस्तों भर्टी सोल्स मतलब क्या होता है? ये मिट्टी जो है बहुत ज्यादा क्लेई होता है, मतलब चिकनी मिट्टी होती है, और जब इसमें हम पानी डालते हैं तो ये स्वेल करता है, मतलब फूल जाता है। ये खास करके भर्टी सोल्स जो है वो अपने देश में भी, आप जो मैदानी इलाका जो हमारे देश में, खास करके गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इन इलाकों में आपको क्लेई सॉइल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो अमेरिका में भी ये जो है अलबामा में और नॉर्थ ग्रेट प्लेन ऑफ कैलिफोर्निया में और मिसिसिपी के मैदान में ये मिट्टी प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से 12 प्रकार के मिट्टी का विभाजन वर्ल्ड सॉइल के अंतर्गत किया गया है। तो मैं समझता हूं कि आपको, मैं इसको आज यहीं पर समाप्त करता हूं।